Hey guys, what's up? Welcome to another video. हम लोग इस सीरीज ऑफ वीडियो में ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं. तो मेरा छोटा सा वीडियो है. आप वीडियो देखने से पहले एक काम कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, एक वीडियो जो मैक लाइफ चैनल में है, जो कॉनर मैकग्रेगर का सपोर्टिंग चैनल है ना, उसमें अपलोड हुआ है, जिसमें कि चार्ल्स रेसलिंग डिफेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो मैंने लिंक दिया है, आप पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए, फिर आप मेरा वीडियो आके देख सकते हैं. क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ, ज़्यादा मायने नहीं रखता. चार्ल्स ओलिवेरा का जो प्लान है या फिर उनका वीडियो है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप पहले वो देख लीजिए, फिर मेरा वीडियो आके देख लेना. मेरा तो कभी भी देख सकते हो आप. अच्छा, तो उस वीडियो में मैंने एक बात नोटिस की, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्चुअली ना ओलिवेरा या फिर कोई भी बीजेजे प्लेयर है, वो रिंग के बीचों बीच टेक डाउन से नहीं डरते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या करना है. एंड स्पेशली हबीब और इस्लाम के खिलाफ. हाँ देखो, हबीब और इस्लाम जो भी उनके जो कैंप में है, बहुत टाइम पहले वो रिंग के बीचों बीच टेक डाउन कर देते हैं. आजकल अगर आपने नोटिस की है रिसेंटली, वो क्या करते हैं कि ओपोनेंट को केज के पास लेके जाते हैं और वहां पे फिर अपना ग्रैपलिंग यूज करते हैं और वहां पे डोमिनेट करते हैं केज के सहारे. तो ओलिवेरा भी ये समझते हैं, एंड इसलिए आपने उस वीडियो में देखी होगी कि ओलिवेरा रेसलिंग डिफेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं केज के पास. हमने ये चीज हमारे पहले वाले वीडियोज में डिस्कस की है, ठीक है. तो जिस तरीके से चार्ल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने देखिए अपने पिछले वाले वीडियोस में प्रेडिक्शन की थी कि इस्लाम जीतने वाले हैं, जो कि अभी तक किसी ने, आई थिंक किसी यूट्यूबर ने अभी तक प्रेडिक्ट नहीं की है. मैंने तो प्रेडिक्ट कर लिया है कि इस्लाम जीतेंगे. बट जिस तरीके से चार्ल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जिस तरीके से चार्ल्स मेहनत कर रहे हैं ना, शायद मेरा प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है. बट मैं ऐसा हूँ कि मैंने जो एक बार बोल दिया है, फिर मैं उससे हटूंगा नहीं. बट जो भी है, चार्ल्स बहुत ही हार्ड वर्क लगा रहे हैं. ये फाइट बहुत ही ह्यूज होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. क्योंकि स्टाइलिस्टिकली देखिए, दोनों ही अच्छे ग्रैपलर्स हैं, दोनों ही अच्छे स्टैंड अप फाइटर्स हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. अब सेकंड चीज, सेकंड एंड लास्ट, चार्ल्स का गिलिटीन समझते हो ना? आप नहीं जानते हो तो गिलिटीन करके आप यूट्यूब में टाइप कर लेना, एंड आपको समझ में आ जाएगा. और ये जो बीजेजे प्लेयर्स हैं स्पेशली, इनका रेसलर्स के खिलाफ ये रहता ही है, जो गिलटीन लगाते हैं ये लोग. अब जो आपने देखा होगा कि नेट डीएस ने टोनी के खिलाफ जो लगाया था, एक्चुअली वो हमजत के लिए रेडी था, प्रिपेयर्ड था, जो कि उन्होंने टोनी पे लगा दिया, एंड टोनी खत्म. फिर ब्रडूम ने लगाया था केन बिलासिस के ऊपर ना, एंड डस्टिन पोरिया ने लगाया था हबीब के ऊपर. बट देखिए, डस्टिन का जो गिलटीन है या फिर ओलिवेरा का जो गिलटीन है, बहुत फर्क है भाई. ओलिवेरा का गिलटीन जो है बहुत ही हेल्ड टाइट रहेगा, निकलना बहुत ही मुश्किल होगा. अब ये चीज इस्लाम भी समझते हैं. क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम पहले हबीब का एक इंटरव्यू आया था, जो कि आप यूट्यूब में देख सकते हैं. उसमें हबीब कह रहे थे कि चार्ल्स का एक स्ट्रांग पॉइंट तो उनका गिलिटीन है, और वो बता रहे थे कि चार्ल्स का जो अपर बॉडी है वो एकदम गिलिटीन के लिए सूटेबल है. तो उनका भी मानना है कि चार्ल्स गिलिटीन जरूर लगाएंगे. हाँ, बहुत सारे फैंस भी कह रहे थे, सब्सक्राइबर्स भी कह रहे थे कि चार्ल्स जरूर गिलटीन लगाएंगे. मैं भी कह रहा हूँ चार्ल्स जरूर गिलटीन लगाएगा, मौका मिलते ही लगा देगा. अब ये दागिस्तानी क्या करते हैं, स्पेशली इस्लाम और हबीब क्या करते हैं कि वो जानबूझ के अपने ओपोनेंट से गिलटीन लगवाते हैं और फिर उससे बचने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट रहता है, रिस्की रहता है. बट इन्होंने शायद उसमें कुछ टेक्निक यूज करते हैं एंड बच जाते हैं उससे. उससे क्या होता है कि जो ओपोनेंट जो गिलिटीन लगा रहा है ना, वो एकदम थक जाता है, उसकी हाथों में थकावट सी हो जाती है, एंड वो मेंटली भी डाउन हो जाता है. फिर वो लोग डोमिनेट करते हैं, माउंट पे आ जाते हैं फिर, या फिर साइड कंट्रोल में आते हैं, फिर डोमिनेट करते हैं. और मुझे लग रहा है कि इस्लाम भी रेडी रहेंगे. अभी मुझे पता नहीं कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, बट इस्लाम रेडी रहेंगे चार्ल्स की गिलिटीन के लिए, बट लगाएंगे जरूर, मुझे ऐसा लग रहा है. तो ये जो बात है, मुझे आपसे शेयर करनी थी. ओवरऑल ये जो फाइट है बहुत इंटरेस्टिंग है. लोग समझते नहीं है ना, लोग एक्चुअली क्या समझते हैं कि कॉनर का फाइट हो गया, हबीब का फाइट हो गया, इसराइल का फाइट हो गया. लोग समझते हैं कि खाली सुपरस्टार्स का फाइट है, इंटरेस्टिंग रहता है. दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो फाइट है चार्ल्स और इस्लाम का जो फाइट है, ये हबीब टोनी फर्गुसन से भी बहुत बड़ा है.
आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा स्टाइलिस्टिकली वेरी इंटरेस्टिंग फाइट, वेट नहीं होता मुझसे। एंड बाय गाइस, आप सब्सक्राइब मत करो, चलेगा मेरे को, बट कमेंट जरूर करना, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से ही बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं मेरे को। एंड बाय गाइस।